न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व का नया आर्थिक विकास, इस मिशन के अवधारणा को लेकर चलने वाली कंपनी एवोरिच, जिसमें ग्लोबल पोर्टफोलियो ओनरशिप का स्मार्ट शेयर सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू मतलब क्रिप्टो यूनिट और वर्ल्ड क्रिप्टो यूनिट जल्द ही स्टोबॉक्स प्लेटफॉर्म के एसटीओ में अपनी नई पहचान लेकर एंट्री करने वाला है। और इसके लिए सभी एवोरिच भागीदारों, सीआरयू, डब्ल्यूसीआरयू निवेशकों ने जागरूक होने का समय आ गया है। इस मिशन में अब तक पूरे जगत के 17 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और सफलतापूर्वक एसटीओ में मतलब सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग्स में जगत के सबसे बड़े और मान्यता प्राप्त वेब 3 प्लेटफॉर्म स्टोबॉक्स में अपनी जगह बनाने और हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हम सबको अपनी सोलबाउंड आईडी क्रिएट करना जरूरी है। और ये सोलबाउंड आईडी हमें अभी से फ्री में मिल सकती है अगर हम एवरेज कंपनी में कॉइनसेट के बैक ऑफिस में कम से कम 25 यूनिट्स का सोलबाउंड आईडी के टोकन का पैकेज खरीदेंगे तो हमें मिलेंगे सोलबाउंड टोकन्स और साथ में सोलबाउंड आईडी फ्री में। और हम हैं अभी सबसे शुरुआत में, तो हमें मिलते हैं सबसे ज्यादा सोलबाउंड टोकन्स जिसका मूल्य 15 फरवरी 2023 के बाद 50% बढ़ जाएगा और बहुत ही जल्द 150% बढ़ेगा, जो हम एक साल के बाद इन सोलबाउंड टोकन्स को ज्यादा मूल्य पर भी बेच सकेंगे। और सोलबाउंड आईडी से हमें मिलेगा स्टोबॉक्स प्लेटफॉर्म पर सभी एसटीओ के लिए एक्सेस। तो आइए हम जान लेते हैं लाइव। नंबर वन, अपना एवोरिच का अकाउंट पूरा सेटअप कैसे करें, कॉइन सेट का बैक ऑफिस सेटअप कैसे करें और सभी एग्रीमेंट्स को साइन कैसे करें। नंबर टू, कॉइन सेट के वैलेट में फंड डिपॉजिट कैसे करें। और नंबर थ्री, सोलबाउंड आईडी के टोकन्स का पैकेज कैसे खरीदें। आइए देखते हैं लाइव। एवरेज का अकाउंट ओपन करने के लिए मतलब लॉगिन करने के लिए आप गूगल क्रोम पर जा सकते हैं और यहां लिख सकते हैं TNG लॉगिन, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ट्रांसनेट लॉगिन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एवरेज लॉगिन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर API लॉगिन, और इसमें से कोई भी एक नाम का आप उपयोग कर सकते हैं और एंटर कीजिए। ये देखिए, ये जो वेबसाइट है https://account.new-api.com, ये वेबसाइट ख्याल में रखना मित्रों, ये वेबसाइट आप आपके कागज पर भी या नोटबुक में भी लिख के रखना। इस वेबसाइट का नाम भी अगर आपने लिखा यहां इस जगह तो ये आ जाएगा, या फिर मैंने जो बताया TNG, API, एवोरिच, ट्रांसनेट और उसके आगे लॉगिन, बस वो किया कि फिर ये वेबसाइट आ जाती है यहां और इसे क्लिक करना है। बस अभी अपना अकाउंट ओपन करना है। तो पहले मैं बताता हूं कि पहले एवोरिच के अकाउंट में जो जो बैक ऑफिसेस है उसे सेटअप कैसे करने का, पहले पूरा सेटअप करना चाहिए। जैसे CRU EvoSend का बैक ऑफिस है, इसमें TNG का है, API का है, एवोरिच का है, WCRU UGPay का है, CoinSet का है, TNG ग्रुप का है, ये सब बैक ऑफिसेस कैसे सेटअप करना। और वो सेटअप होने के बाद फिर हमें वहां डॉलर्स जमा करके मतलब यूनिट्स जमा करके हमें SOLBI के टोकन खरीदना है। तो पहले आपको दिखाता हूं कि अपने एवोरिच अकाउंट को सेटअप कैसे करें। ये अभी करता हूं मैं लॉगिन, यहां यूजर नेम और यहां पासवर्ड डाला है। अब जैसे हिंदी में है, ये जैसे राजू येलने का अकाउंट है, तो आप हिंदी में भी इसे वापर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहां इंग्लिश में करता हूं इसे, ये जो HI मतलब हिंदी लिखा है वहां मैं अभी इंग्लिश करता हूं। अभी देखिए कि जैसे ये CRU EvoSend का अकाउंट है, ये देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, बाय क्लिकिंग द एक्सेप्ट बटन यू एग्री टू यूज ऑफ ऑल कुकी फाइल्स मोर, तो इसे एक्सेप्ट करते हैं। अभी देखिए जैसे ये CRU EvoSend का अकाउंट है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नॉट साइंड है, तो जैसे अभी पहले इसको सेटअप करते हैं तो इस नॉट साइंड पर क्लिक करना है, ये जो लाल रंग में है। अब देखिए ऐसे नीचे आना है, अगर आप मोबाइल से भी करना चाहते हो तो वहां स्टैंडर्ड वर्जन को क्लिक करना है, मतलब वो ऐसे कंप्यूटर जैसा आ जाएगा।
और यहां देखिए ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू टर्मिनेट, इसे क्लिक करना है और ये टू साइन द एग्रीमेंट मतलब समझौते पर हस्ताक्षर। अभी देखिए यहां कस्टमर एग्रीमेंट टू टर्मिनेट बोल रहे हैं, इसे भी क्लिक करना है और यहां भी टू साइन द एग्रीमेंट, रिफ्यूज नहीं करना है, साइन करना है। अब देखिए ये तीसरा एग्रीमेंट भी है, इसे भी ऐसे क्लिक करना है और साइन द एग्रीमेंट करना है। बढ़िया। अब देखिए यहां साइंड आया है, यहां तो पहले लाल था नॉट साइंड करके, बस ऐसे ही अपना पूरा अकाउंट सेटअप करना है। तो जैसे अब मैं टीएनजी पर जाता हूं, यहां तो ठीक है, अब मैं एपीआई पर जाता हूं। देखिए यहां ऐसे पहली बार अगर आपको अलग अलग बैक ऑफिसेस में जाना हो तो यहां ये लॉग आउट हो जाता है, यहां फिर से लॉग इन करना पड़ता है। तो मैं फिर से लॉग इन करता हूं, देखिए ये जैसे यहां लिख के आया है अस्वीकरण, निजी निवेशक अकादमी की सभी सूचना सामग्री में प्रदान की गई कोई भी जानकारी निवेश वित्तीय कानूनी सलाह या किसी अन्य सलाह का गठन नहीं करती है। एपीआई के प्रतिनिधि आपके सभी संभावित वित्तीय नुकसान और या मुनाफे के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम केवल जानकारी साझा करते हैं और विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं, उपकरणों, निवेश बाजारों और उनके विनियमन के बारे में बात करते हैं। आप अपने सभी वित्तीय निवेश और व्यापारिक निर्णयों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, चौकस और सावधान रहें। मतलब हर एक की अपने अपने रिस्क हैं, ये तो सत्यापित है यहां। अब चलते हैं एवोरिच में, फिर से लॉग आउट हो गए हैं, फिर से लॉग इन करते हैं। ठीक है, यहां तो व्यवस्थित दिख रहा है सब। चलो अब चलते हैं WCRU UGP में, यहां भी लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन करते हैं। लॉग इन, ये जरा इसमें तकलीफ है, बार बार लॉग आउट होता है और बार बार लॉग इन करना पड़ता है। इंग्लिश किया और देखिए यहां भी कॉन्ट्रैक्ट नॉट साइन लिखा है, इसे ऐसे नॉट साइन पर क्लिक करना है पहले जो लाल अक्षर में आया है। अब जाना है नीचे और ये जैसे यहां जनरल एग्रीमेंट टू एंड, इसे भी क्लिक करना है और समझौते पर हस्ताक्षर टू साइन करना है। ये एक हो गया, अब ये दूसरा एग्रीमेंट, इसे भी ऐसे साइन करना है। अब बचा ये तीसरा डिक्लेरेशन टू एंड टू साइन द एग्रीमेंट। अरे इंग्लिश हो, हाँ तो देखिए ये हो गया साइन। अब हमें जाना है कॉइन सेट के बैक ऑफिस में, तो जैसे यहां वो बैक ऑफिस दिख नहीं रहा, तो अगर यहां आपको जो चाहिए वो बैक ऑफिस नहीं दिख रहा तो यहां क्लिक करें, ये जो जगह है यहां क्लिक करने का। ये देखिए यहां बाकी बचे हुए बैक ऑफिसेस आपको दिख जाएंगे, तो आप ये कॉइन सेट पर ऐसे क्लिक कीजिए, इसे चूज कीजिए। फिर से हम लॉग आउट हो गए तो फिर से लॉग इन करते हैं। इसे इंग्लिश में करते हैं, देखिए यहां नॉट साइंड लिखा है, इसे क्लिक किया, ये आया कॉइन सेट का बैक ऑफिस। हाँ तो ये देखिए यहां जो ये तीनों भी स्टेप्स बताए हैं, इसे जैसे पहला कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है, यहां ये सब पॉलिसीज वगैरह है वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए दस्तावेजों को सीखना आवश्यक है, या आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ कैसे कैसे आपका स्टेटस बन सकता है और आप कैसे कैसे रेफरल इनकम कमा सकते हैं। पुष्टि करें और जारी रखें, जितना अच्छा स्टेटस होगा आपका उतना अच्छा आप रेफरल इनकम यहाँ कमा सकेंगे। इंग्लिश, हाँ अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नॉट साइंड, इस पर क्लिक किया मैंने। इंग्लिश, चलते हैं नीचे, ये देखिए तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, इसे साइन करना है। समझौते पर हस्ताक्षर, वहां क्लिक किया। अब ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, इसे भी साइन करना है टू साइन द एग्रीमेंट।
फिर यह तीसरा भी कॉन्ट्रैक्ट है, इसे भी साइन करना है, साइन द एग्रीमेंट। बढ़िया, तो इस प्रकार से यह पूरा अकाउंट हो गया मित्रों सेटअप। अब यह हो गया है परफेक्ट और पूरी तरह से सक्सेसफुली साइंड। अब अपने को आगे बढ़ना है। अब इसे लॉग आउट करता हूं मैं, क्योंकि जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर वसंत हिंगे उनके अकाउंट में लॉग इन करूंगा और मेरे पिताजी सोल बाउंड आईडी के टोकन्स खरीदना चाहते हैं, उसका पैकेज खरीदना चाहते हैं, तो अब करता हूं उनके अकाउंट में लॉग इन। यह है मेरे पिताजी का अकाउंट। इनका अकाउंट पूरा सेटअप हो चुका है, पहले ही करके रखा है, इसलिए मैंने आपको राजू का अकाउंट दिखाया कि कैसे सेटअप करना है। तो अब मेरे पिताजी सोल बाउंड आईडी के टोकन्स खरीदना चाहते हैं, उसका पैकेज खरीदना चाहते हैं। अब ये तो है न्यूज सेक्शन, यहाँ आपको सारी न्यूज मिल जाएंगी सोल बाउंड आईडी के बारे में। आप इसे हिंदी में भी करके पढ़ सकते हैं। अब ये यहाँ प्रोडक्ट्स है, तो जैसे देखिए यहाँ सोल बाउंड टोकन्स के बारे में बताया है कि ये क्या है। यह है वेब थ्री के आइडेंटिटी टोकन्स। यह सब इसका विश्लेषण किया है, ये उसका बैकग्राउंड क्या है वो, और यह सोल बाउंड आईडी टेक्नोलॉजी वो क्या है उसके बारे में। यह सोल बाउंड की वेबसाइट है, इसे क्लिक करके भी आप सोल बाउंड की वेबसाइट ओपन कर सकते हो, वहां देख सकते हो क्या है। ये यहाँ पैकेज प्राइस यूनिट्स में, आपको तो पता है कि एक यूनिट का मतलब $1, तो ये 10 यूनिट का, ये 25, 50, 100 यूनिट्स का, 500 यूनिट्स, ऐसा करते करते 15,000 यूनिट्स तक के ये पैकेजेस है। और उसमें सोलबी टोकन्स कितने मिलते हैं वो यहाँ दिया गया है। और अभी इस समय मतलब 15 फरवरी तक अगर आप खरीदते हैं तो अभी बोनस में कितने मिलते हैं एक्स्ट्रा वो भी यहाँ बताया गया है। तो जैसे कितने परसेंट मिलते हैं बोनस में एक्स्ट्रा टोकन, ये है। उसके बाद टोटल टोकन्स, यानी ये बोनस के और ये अमाउंट ये मिलाकर टोटल कितने होते हैं, तो ये यहाँ है। और फिर प्राइस पर टोकन, एक टोकन का कितना प्राइस निकल कर आता है, तो यहाँ है। और जैसे यहाँ अमाउंट ऑफ पैकेजेस है, जैसे $10 वाले यहाँ 10,000 पैकेजेस रखे गए हैं बेचने के लिए, $25 वाले 5,000 पैकेजेस। वैसे यहाँ कुछ पैकेजेस बढ़ा भी दिए हैं क्योंकि ये कुछ पैकेजेस खत्म हो गए थे इसके। ये $1,000 वाले 100 पैकेजेस है, $2,000 वाले 15, 5,000, 10,000, $15,000 वाले, तो ऐसे ये पैकेजेस है। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये सबसे महत्व की बात है, सबने ये पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि इफ यू परचेस्ड ए पैकेज फॉर 25 यूनिट एंड अबव, यू विल गेट ए सोल बाउंड पर्सनल वेब थ्री आई डी फॉर फ्री विदाउट स्पेंडिंग एंड कन्वर्टिंग यूर एग्जिस्टिंग सोल बाउंड टोकन्स। इट विल अलाउ यू टू स्टार्ट यूजिंग डिजिटल आइडेंटिटी एज वन ऑफ द फर्स्ट यूजर्स इन द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये $25 के मतलब 25 यूनिट से बड़ा अगर पैकेज खरीदते हैं, यह है 25 यूनिट वाला पैकेज, तो आपको ये टोकन्स तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा सोल बाउंड पर्सनल वेब थ्री आई डी, ये सोलबाउंड की आईडी भी आपको फ्री में मिलेगी। और इसके लिए आपको ये टोकन खर्चा नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये टोकन आप आगे बेच भी सकेंगे और इसका भी पैसा आपका बनेगा, ये भी कैश होंगे। और आगे ये सोलबाउंड आईडी बनाने के लिए कितना चार्ज लगेगा ये तो फिलहाल पता नहीं। और इसमें आपको जो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनेगी, तो पूरे दुनिया में आप पहले यूजर होंगे कि जिनके पास ये आईडी है वेब थ्री वाली। ये टोकन्स अगर आपने खरीदे तो इसका लॉकअप पीरियड है 12 महीने, 12 महीने के बाद ये अनलॉक होगा और आप इसे बेच सकेंगे। जिन लोगों को आगे आईडी बनाना है तो उनको ये टोकन काम में आएंगे, तो आप ये टोकन्स उनको बेच सकेंगे, तब उनकी सोल भी आईडी बनेगी, मतलब यहाँ भी आप फायदा कमाएंगे। अभी 15 फरवरी तक ये यहाँ जो टोकन्स है इतने टोकन्स आपको मिलेंगे यहाँ का जो भी पैकेज आप खरीदते हैं तो। और 15 फरवरी 2023 के बाद 50% ये महंगे होंगे, और उसके बाद जो इसकी इसके भी आगे की फेज रहेंगी तो वहां तो ये उससे भी महंगे होंगे, मतलब यहां से 150% महंगा होगा तब। तो 15 फरवरी 2023 के पहले खरीदने में ज्यादा फायदा है। ऑल्सो वी आर बिल्डिंग एंड डेवलपिंग द होल इकोसिस्टम दैट ऑल सोल बाउंड कम्युनिटी टोकन होल्डर्स कैन यूज विदाउट एनी बॉर्डर्स इन ए कंप्लायंट वे। After 12 months, you will have
द पॉसिबिलिटी टू विड्रॉ यूर सोल बाउंड कम्युनिटी टोकन्स, टोकन्स टू यूर वेब थ्री वैलेट एंड एंगेज इन द फर्दर एक्टिविटीज। तो यह हम समझ सकते हैं कि 25 यूनिट का, कम से कम 25 यूनिट का पैकेज खरीदना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इससे भी बड़ा पैकेज आप खरीदते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये सोल बाउंड टोकन जो है ये आगे काम में आने वाले हैं और इसे आप महंगे में बेच भी सकेंगे। जिन लोगों को सोल बाउंड आईडी बनानी है उनके लिए ये टोकन भी आप बेच सकेंगे। तो अभी मेरे पिताजी खरीदना चाहते हैं $1,000 का पैकेज सोल बाउंड आईडी टोकन का। तो चलिए पहले फंड डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो जैसे वैलेट पर गए, अब यहां जैसे मेरे पिताजी 1100 यूनिट्स जमा करना चाहते हैं, अब चलना है पे पर। अब चलते हैं नीचे ऐसे, अब यहां यूनिट्स जैसे मेरे पिताजी को 1100 मतलब 1100 यूनिट्स जमा करना है। ये जो है इधर टॉप अप विथ क्रिप्टो करेंसी, तो यहां आप वीडियो भी देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे टॉप अप करते हैं। तो जैसे हम भी अभी क्रिप्टो करेंसी से ही टॉप अप कर रहे हैं, लेकिन हम जरा हिंदी में विश्लेषण कर रहे हैं व्यवस्थित एक एक चीज बता के। अब यहाँ 1100 यूनिट्स हमें टॉप अप करना है, तो यहाँ लिखा है सिलेक्ट द सुटेबल वे टू ऐड फंड्स टू योर अकाउंट। तो अपने को जो भी अच्छा मार्ग होगा वो अपने को सिलेक्ट करना है। तो जैसे पहला मार्ग है यहाँ इंटरनेट वैलेट्स ग्लोबल यूनिट पे, इसे अगर क्लिक किया तो यहाँ जैसे ग्लोबल यूनिट पे से हम डिपॉजिट कर सकते हैं सोल बी के लिए। तो यहाँ कमीशन जीरो है, इसे अगर ऐसा क्लिक किया तो यहाँ अपने को 1100 यूएसडी यहाँ भेज सकते हैं। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो है क्रिप्टो करेंसी का, इसे भी क्लिक किया तो क्रिप्टो करेंसी से अगर यहाँ फंड डिपॉजिट करना हो तो 5 USDT यहाँ कमीशन है। मतलब अगर हमने बायनान्स से यहाँ USDT TRC20 अगर भेजा ट्रॉन नेटवर्क पर का USDT, तो बायनान्स से $1 कमीशन लगता है भेजने का, और यहाँ डिपॉजिट करने के लिए यहाँ 5 USDT कमीशन लगते हैं, मतलब टोटल 6 USDT कमीशन लगेगा। अच्छा, अगर ग्लोबल यूनिट पैसे हमें अगर यहाँ डिपॉजिट करना है तो यहाँ जैसे डिपॉजिट का कमीशन तो नहीं है, लेकिन अब हम चलेंगे ग्लोबल यूनिट पे के अकाउंट पर, वहां देखेंगे कुछ कमीशन लगता है क्या। तो ये जैसे ग्लोबल यूनिट पे का अकाउंट है और ये वेबसाइट का नाम portal.gtinet.ch। अब जैसे यहां यह है USDT, इसे ऐसे क्लिक किया चूज किया। अब जैसे ये यहां का रिसीव का है, तो जैसे पहले ब्लॉकचेन नेटवर्क को हम क्लिक करते हैं और यहां ट्रॉन नेटवर्क जो है TRC20 इसे चूज किया। फिर यहां देखिए यहां बता रहा है दिस वैलेट एड्रेस ओनली एक्सेप्ट टोकन्स ट्रांसफर्ड बाय ट्रॉन TRC20 नेटवर्क, यह सिर्फ TRC20 नेटवर्क के लिए है। टोकन्स ट्रांसफर्ड थ्रू एनी अदर नेटवर्क विल बी लॉस्ट, दूसरे कोई भी नेटवर्क से आप यह टोकन ट्रांसफर नहीं कर सकते, नहीं तो आप उसे खो डालेंगे। TRC20 का नेटवर्क है तो TRC20 से ही आपको यहां USDT डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिमम डिपॉजिट 15 USDT है, इससे कम भी USDT यहाँ डिपॉजिट नहीं होते, और डिपॉजिट फीस है 1.5 USDT। मतलब यहाँ भी अगर डिपॉजिट हमें करना हो USDT तो 1.5 USDT लगता है यहाँ की फीस। अब जैसे बायनान्स से अगर बाहर भेजना हो USDT तो वहां की फीस है 1 USDT। यह है बायनान्स का अकाउंट। तो देखिए यहाँ बायनान्स में चलते हैं हम फियाट एंड स्पॉट पर। अगर यहां से हमें USDT भेजना हो कहीं, तो जैसे ये USDT है, यहां से अगर विड्रॉ करना हो तो ये USDT मतलब टेथर, और जैसे नेटवर्क जो है तो हमें ट्रॉन नेटवर्क चाहिए, ये है BSC, EOS, AVAXC, BNB, इथेरियम, मैटिक, सोल, तेजोस, और ये ट्रॉन नेटवर्क है। तो ट्रॉन नेटवर्क से जो फीस है बाहर अगर भेजना हो USDT तो 1 USDT लगता है। उसका मतलब अब चलते हैं ग्लोबल यूनिट पे पर, तो 1 USDT वहां से लगेगा बायनान्स से यहां भेजने के लिए, और यहां USDT वो रिसीव करने के लिए लगेंगे 1.5 USDT, मतलब टोटल हो गया 2.5 USDT। अब हमें ग्लोबल यूनिट पे से USDT सेंड करना है, तो सेंड पर जाएंगे। उसके बाद ये जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है ये ट्रॉन नेटवर्क, इसे सिलेक्ट किया और अमाउंट डाला 1100। तो देखिए यहाँ 4.5 USDT, ये देखिए 1104.5,
मतलब 4.5 USDT यहाँ फीस है। अभी आप 1100 क्या यहाँ 25 भी अगर डालेंगे, 25 तो भी आपको यहाँ फीस लगेंगी 4.5 USDT। मतलब इसके पहले के जो 2.5 USDT प्लस ये 4.5 USDT मतलब हो गए 7 USDT। तो ये महंगा पड़ता है, ग्लोबल यूनिट पे से अगर हमें यूएसडीटी भेजना हो तो ये महंगा पड़ता है, क्योंकि हमें 7 USDT लगते हैं सिर्फ फीस में, बायनान से यहां लाने में और यहां से कॉइन सेट के अकाउंट में लेके जाने में। तो हम मित्रों ग्लोबल यूनिट पे से नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन, हम करेंगे सीधे बायनान से कॉइन सेट में, क्योंकि यहां भले ही कमीशन जीरो दिखा रहा है लेकिन हमें 7 USDT लगते हैं यहां भेजने के लिए। उससे अच्छा है कि क्रिप्टो करेंसी से हम यहां भेजते हैं USDT और हमें लगेंगे ये 5 USDT और बायनान्स से भेजने में 1 USDT, मतलब टोटल 6 USDT लग जाएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप ग्रुप ग्रुप से बायनान्स से सीधे भेजिए यहां कॉइन सेट में, इस वैलेट में, अकेले अकेले ना भेजे, क्योंकि फिर हर बार आपको 6 USDT या 7 USDT एक्स्ट्रा लग जाएंगे, मतलब 500-600 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो मैं फिर से अभी वैलेट में जाता हूं क्योंकि ये रिफ्रेश भी होना चाहिए। अब यहां पे करता हूं, पे पर चला जाता हूं। अब ऐसे नीचे चलते हैं, यहां टॉपअप अमाउंट करना है 1100 और मैं यूज करूंगा क्रिप्टो करेंसी ऑक्सपे ट्रॉन USDT सोल बी। तो ये ट्रॉन नेटवर्क पर का USDT है, तो इसे ऐसे चूज किया तो यहां 1105 USDT लग जाएंगे। ठीक है, इसे ऐसे पे किया, पे पर क्लिक किया मैंने। अब ऐसे नीचे आया तो देखिए यहां पेमेंट सिस्टम ऑक्सपे ट्रॉन USDT सोल बी, द अमाउंट ऑफ द पेमेंट सिस्टम 1105 USDT, वैलेट फॉर पेमेंट, ये वैलेट है, वैलेट एड्रेस, इस वैलेट एड्रेस पर हमें पेमेंट करना है। और ये भी यहाँ चेक करना है कि आपको सोलबी के लिए करना है या NFT के लिए। तो जैसे यहाँ सोलबी तो आया ही है ऑलरेडी, यहाँ लिखा है व्हेन टॉपिंग अप द बैलेंस ऑफ ए पर्सनल अकाउंट विथ क्रिप्टो करेंसी ए न्यू इंडिविजुअल टेम्पररी वैलेट एड्रेस इज जनरेटेड ईच टाइम। मतलब आप जब भी यहाँ टॉप अप करते हैं तो ये एक नया टेम्पररी वैलेट यहाँ जनरेट हो जाएगा, ये जो है। तो बार बार नहीं करना है यहाँ, एक ही बार, और जब भी आप करेंगे तो जब वो नया वैलेट रहेगा उस पर ही आपको यहाँ फंड भेजना है। इट इज फॉरबिडन टू मेक रिपीटेड ट्रांजेक्शंस टू द एड्रेसेस ऑफ वैलेट्स जनरेटेड ड्यूरिंग प्रीवियस एप्लीकेशंस फॉर टॉपअप, सच पेमेंट्स विल बी क्रेडिटेड एंड विल नॉट बी रिटर्न। You need to create a new application for each top up of the personal account. ये बोल रहे हैं कि आप एक ही वैलेट पर आप अगर बार बार यहाँ USDT भेजते हैं तो यहाँ तो जमा होएंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे वो। इसलिए जिस समय आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको ये नया वैलेट क्रिएट करना है और उसी वैलेट पर आपको ट्रांजैक्शन करना है, तभी ये पैसा, ये यूनिट्स यहाँ जमा हो जाएंगे। तो ठीक है, अभी यहाँ 1105 USDT हम भेजते हैं और 1105 USDT भेजने के लिए हमें 1 USDT लगेगा बायनान्स पर, मतलब 1106, और ये करना है इस वैलेट पर। तो चलिए इसे ऐसे कॉपी करते हैं, कॉपी। अब चलते हैं बायनान्स पर, बायनान्स पर चलते हैं हम फियट एंड स्पॉट पर। फिर देखिए ये है USDT टेथर, फिर यहां से जैसे हमारे पास यह 3611 USDT है तो हमें यहां से विड्रॉ करना है। विड्रॉ पर क्लिक किया, अब कॉइन तो USDT है ही यहां। अब एड्रेस, ये यहां एड्रेस हमने पेस्ट किया जो हमने यहां कॉइन सेट में कॉपी किया था, यही एड्रेस यहां पेस्ट किया। और नेटवर्क जो है वो हमें ट्रॉन नेटवर्क लेना है, ये देखिए ट्रॉन TRC20, यहां से 1 USDT कटेगा। ऊपर क्या लिखा है ये देखिए, अनमैच्ड नेटवर्क्स ऑटोमेटिकली रिमूव्ड, सिलेक्ट ए नेटवर्क बिलो। ये बोल रहे कि अगर आपका नेटवर्क मैच नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा यहां से, तो ये नीचे के नेटवर्क आप सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए ये BSC, ये अनमैच हुआ, ये EOS का अनमैच हुआ, ये भी अनमैच हुआ, यानी यहां सिर्फ ये ट्रॉन और सोलाना ये मैच हो रहे, लेकिन अपने को ट्रॉन लेना है। तो इसे ट्रॉन को क्लिक किया, TRC20 को,
अब हमें यहाँ यूएसडीटी लेना पड़ेगा, 1105 तो हमें भेजना है, लेकिन यहाँ अपने को अमाउंट 1106 करना पड़ेगा, और हमें भेजना है स्पॉट वैलेट से, तो ये स्पॉट वैलेट तो है ही ऑटोमेटिक यहाँ आया ही हुआ है, तो यहाँ 1106 ये लिखा हमने, तो देखिए यहाँ 1106 भेजेंगे तो 1105 यूएसडीटी उधर चले जाएंगे, मतलब 1106 यूएसडीटी यहाँ से भेजेंगे तो 1105 यूएसडीटी यहाँ कॉइन सेट में चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ 1105 चाहिए, तो ये बायनांस पर से हम इसे विड्रॉ करते हैं, और ये विड्रॉ करने के लिए पहले अपना बायनांस का ईमेल भी ओपन चाहिए, तो हमने ये बायनांस का ईमेल ओपन करके रखा, ये सब पूर्व तैयारी करके रहना पड़ता है। तो यहाँ नेटवर्क फीस 1 USDT लगी और रिसीव हो जाएंगे 1105 USDT। तो चलिए करते हैं यहाँ अभी विड्रॉ, विड्रॉ पर क्लिक किया मैंने। अब ये देखिए ये बोल रहे हैं कि अमाउंट यह है 1105 आपको मिल जाएंगे, नेटवर्क फी 1 USDT लग जाएंगे, एड्रेस TK और P9 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ एड्रेस तो अपना TK P9 ये है ही, उसके बाद ये ट्रॉन नेटवर्क पर का है, सोर्स स्पॉट वैलेट, ठीक है ये स्पॉट वैलेट। अब करते हैं इंश्योर दैट द एड्रेस इज करेक्ट एंड ऑन द सेम नेटवर्क, ये बोल रहे हैं कि एड्रेस करेक्ट होना चाहिए और सेम नेटवर्क पर का होना चाहिए, तो एड्रेस भी अपना करेक्ट है और ट्रॉन नेटवर्क पर का है। अब यहाँ लिखा है ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कैंसल्ड, और ये ट्रांजेक्शन कैंसिल भी नहीं हो सकता, मतलब एक बार अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो ये फिर पैसा या क्रिप्टो करेंसी यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन तो अपने को कैंसिल करना ही नहीं, तो कंटिन्यू कर लेता हूं, कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ ऑथेंटिकेटर कोड है, तो आपके पास गूगल ऑथेंटिकेटर कोड जो है वो यहाँ डालना है, तो आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन रहती है, तो मैं मेरे मोबाइल पर का जैसे ऑथेंटिकेटर कोड की एप्लीकेशन मैंने ओपन की। इसके बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड और फोन नंबर का वेरिफिकेशन कोड, ये दोनों भी तैयार रखना है। तो देखिए ऑथेंटिकेशन कोड पर मुझे आया है 783742, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन कोड, उसे क्लिक किया, ये देखिए ईमेल आपको भेजा गया बोलते, ये ईमेल पर जा रहा हूं मैं, इसे रिफ्रेश कर रहा हूं, ये देखिए ये विड्रॉल रिक्वेस्ट, इसका ये वेरिफिकेशन कोड, इसे कॉपी किया, यहाँ आया, यहाँ ये कोड पेस्ट किया मैंने। अब ये फोन नंबर का वेरिफिकेशन कोड, इसे गेट कोड पर मैंने क्लिक किया, अब मोबाइल पर ये कोड आएगा, ये देखिए मोबाइल पर कोड आया है 635517, यहाँ लिखता हूं 635517, और ये किया मैंने सबमिट। अच्छा देखिए समय थोड़ा सा ज्यादा लगने के कारण अभी ये ऑथेंटिकेटर कोड फिर से डालना है, ठीक है। ऑथेंटिकेटर कोड कौन सा है, 107681, इसे क्लिक किया और सबमिट, बढ़िया। ये देखिए विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, अवेटिंग अप्रूवल, इसे करते हैं, देखिए ये बोलते हैं यू विड्रॉल रिक्वेस्ट इज बीइंग रिव्यूड एंड विल टेक अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स, यू कैन व्यू द स्टेटस ऑफ योर विड्रॉल रिक्वेस्ट इन द विड्रॉल हिस्ट्री पेज, ठीक है इसे कंप्लीट करना है। इसमें समय का बड़ा लिमिटेशन रहता है मित्रों, उतने ही समय में होना चाहिए वो पूरा। इन सब चीजों के आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो मित्रों, वैसे रखना अच्छा है, जब तक वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं होती या जब तक ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होता तब तक। मित्रों 5-10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, लेकिन यहां से रिफ्रेश नहीं करना मित्रों, जब ये प्रोसेस चालू रहती है और अपने को शंका रहती है कि ये हो रही है या नहीं हो रही है, तो अपने मोबाइल पर चेक करना। तो मैंने जैसे मोबाइल पर चेक किया है तो यहाँ 1100 यूनिट्स जमा हुए हैं, तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं। यहाँ रिफ्रेश कैसे करेंगे, वैलेट पर फिर से क्लिक करेंगे, ये देखिए 1100 यूनिट्स यहाँ जमा हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मित्रों, अब हमें खरीदना है यहाँ सोलबी टोकन्स का पैकेज $1000 का। चलिए चलते हैं प्रोडक्ट्स पर, अब ये चलते हैं नीचे, ये सब पढ़ लेना मित्रों, जब तक आप ये पढ़ते नहीं समझते नहीं
आगे बढ़ना ठीक नहीं। जैसे हमें $1,000 का सोलबी टोकन का पैकेज खरीदना है, तो यहाँ जैसे अमाउंट ऑफ टोकन्स ये मिलते हैं नॉर्मली 78,478, और यहाँ जो बोनस मिल रहे हैं हमें, वो बोनस मिल रहे हैं 27,467, मतलब 35% हमें बोनस मिल रहे हैं ये टोकन। तो टोटल टोकन्स हो गए हमारे पास 1,05,945। तो हमें ये पड़ा है प्राइस 0.0094 डॉलर का एक टोकन। चलिए हम चलते $1,000 के पैकेज पर। देखिए मिनिमम ये तो खरीदना ही है 25 यूनिट का, और अभी इसमें मिल रहे हैं अपने को 2060 सोलबी टोकन्स, ये 25 यूनिट के पैकेज में। अब चलता हूं मैं 1,000 यूनिट का पैकेज जो है इसे करते हैं बाय। तो मेरे पिताजी को मिलेंगे 1,05,945 सोलबी टोकन्स। तो करते इसे बाय। अब यहां जैसे पोर्टफोलियो में जीरो है ना, यहां देखना अभी क्या होगा। देखो देखो मेन अकाउंट 1,100 यूनिट्स, यानी जैसे अभी यहां 1,000 यूनिट्स का हमें बाय करना है, तो जैसे मेन में 1,100 यूनिट्स है तो हमें 1,000 यूनिट यहां लिखना है। तो ऑलरेडी लिख के आया है। अब यहां आई कंफर्म करता हूं, आई कंफर्म और बाय करता हूं। रिस्क अपनी अपनी रहती है मित्रों। ये देखिए यहां सब लिखा है, ये देखिए पोर्टफोलियो में 1,05,945 सोल बाउंड टोकन्स आए हैं मेरे पिताजी के, डॉक्टर वसंत हिंगे के। मैं मेरे पिताजी को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया चीज में इन्वेस्ट किया है, और आगे बहुत ही जल्द इस टोकन्स का बढ़िया अच्छा उपयोग होगा, और आगे WCRU भी STO में आएगा बहुत जल्द, और उसे बेचना चाहे तो बेच भी सकेंगे, या फिर उसका डिविडेंड भी मिलना चालू रहेगा। बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे पिताजी को। मतलब हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ 100 यूनिट्स बचे भी है, तो देखते हैं हमारे पिताजी क्या करते हैं 100 यूनिट्स का। अब करता हूँ लॉग आउट।